नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाधनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोन जिनं वीरं अनंतवर्णान दंशं सहावं वोच्छामिनियं सारं केवलीशुत केवलीभंगं। नियम सार परमागम की शुद्ध भाव अधिकार के विषय वस्तु पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें उन 50 नंबर की गाथा पर हमारी चर्चा हुई थी, थोड़ी चली थी कल, और उन 50 नंबर की गाथा में व्यवहार नय की और निश्चय नय की उपादेयता के संबंध में चर्चा हुई थी। तो उसमें ये स्पष्टीकरण आया था कि व्यवहार नय के विषयों का ज्ञान ग्रहण करने योग्य है, मैंने वो जानने लायक है, लेकिन आश्रय करने लायक है इस अर्थ में उनको उपादेय नहीं कहा गया है। फिर लास्ट में फुटनोट के नीचे देखिए कि जिस जीव को अभिप्राय में शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय का ग्रहण और पर्यायों के आश्रय का त्याग हो, उसी जीव को द्रव्य का और पर्यायों का ज्ञान सम्यक है, ऐसा समझना चाहिए, अन्य को नहीं। एक बहुत मार्मिक बिंदु इन्होंने इस ओर रखा है कि शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय का ग्रहण और पर्यायों के आश्रय का त्याग, यह जिसके अभिप्राय में हो जाए, मतलब जिसका अभिप्राय शुद्धात्म द्रव्य के ग्रहण का और पर्याय के आश्रय के त्याग का हो, उसी को वास्तव में द्रव्य और पर्याय का ज्ञान सच्चा है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य का ज्ञान द्रव्य के आश्रय का अभिप्राय बनाने के लिए है और पर्याय का ज्ञान पर्याय के आश्रय को छोड़ने का अभिप्राय बनाने के लिए है। मैंने पर्याय का ज्ञान कब सच्चा कि जब पर्याय से दृष्टि हट जाए, और द्रव्य का ज्ञान कब सच्चा कि जब द्रव्य पर दृष्टि आ जाए। अने पर्याय का ज्ञान करके पर्याय से दृष्टि नहीं हटे तो फिर पर्याय का मतलब ही नहीं समझा अभी वो। गुरुदेव श्री बोलते थे ना, जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आती थी तो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में वो एक बात बहुत अच्छी बोलते थे, तो उन्हें वो ये कहते थे कि क्रमबद्ध पर्याय की बात क्रमबद्ध पर्याय पर दृष्टि रखने के लिए नहीं कह रहे हम, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले को यह पता लगता है कि जब पर्यायों का सारा क्रम निश्चित है और अपने निश्चित क्रम में वो पर्याय हो रही है, तो उनके करने का बोझा भी अपने सिर पे मैं क्यों लूं। और जहां पर्याय के कर्तापने के भार से आत्मा निर्भर होता है तो उसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर चली जाती है। तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए है। इसी तरह यहां पर्याय का ज्ञान क्यों कराया गया कि जब पर्याय का ज्ञान हम करेंगे तो पर्याय का स्वरूप ही हमें यह बोध दे देगा कि यह आश्रय करने लायक नहीं, और द्रव्य का ज्ञान करेंगे तो द्रव्य का ज्ञान यह बोध हमें देगा कि एकमात्र आश्रय करने योग्य यदि विश्व में कोई है तो वो ये मेरा द्रव्य स्वभाव है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो वो ज्ञान सच्चा है, बस इसीलिए वो यहां पर कहा गया है ना। इतनी बात कहने के बाद अब देखो, अब आ जाओ 50 नंबर की गाथा में। ये गाथा बहुत मार्मिक है और इसके पहले 73 नंबर का एक कलश टीकाकार मुनिराज पद्म परमलधारी देव का है, बहुत अद्भुत कलश है। शुद्ध निश्चय नय से
मुक्ति में तथा संसार में अंतर नहीं है। क्या कह रहे? शुद्ध निश्चय ने से, क्योंकि दोनों पर्याय है ना, वो तो मुक्ति हो तो भी पर्याय है, संसार हो तो भी पर्याय है, और शुद्ध निश्चय ने के विषय की अपेक्षा से तो दोनों व्यवहार है, दोनों में अंतर नहीं है। का मतलब क्या कि मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है, ये नहीं कहना चाह रहे वो। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से, मैंने शुद्ध निश्चय नय से इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्ध निश्चय नय के विषय की ओर से जब आप देखते हो तो मुक्ति वो भी एक समय की अवस्था है और संसार वो भी एक समय की अवस्था है, तो मेरे आश्रय के योग्य तो दोनों नहीं है ना। नहीं आया सोनी कि मेरे आश्रय के योग्य तो दोनों नहीं है, तो मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है कि ये मुक्ति है कि संसार है। मुझे तो आश्रय दोनों का नहीं करना, आश्रय तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का करना है। और शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से देखो तो एक ध्रुव स्वभाव ही दिखाई देगा, मुक्ति और संसार वो तो व्यवहार नय के विषय में चले जाएंगे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा ही वास्तव में तत्व विचारने पर आ गया, मतलब परमार्थ वस्तु स्वरूप का विचार अथवा निरूपण करने पर शुद्ध तत्व के रसिक पुरुष कहते हैं। कहते हैं माने जानते हैं, कहते हैं तो एक भाषा है। कौन कहता है ये बात कि जिसे शुद्ध तत्व का रस चढ़ा है, किसका रस चढ़ा कि जिसे शुद्ध तत्व का रस चढ़ा उसे मुक्ति और संसार में कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता कि भाई वो भी पर्याय वो भी पर्याय, मेरे लिए आश्रयभूत दोनों नहीं है। आगे तो जो मेरे लिए आश्रयभूत नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मुक्ति है कि संसार है। दूसरी बात कि शुद्ध तत्व का रस चढ़ा, तो शुद्ध तत्व का रस चढ़ने पर पर्याय मात्र का रस उतर गया। अब पर्याय का जब रस उतर गया तो पर्याय में मुक्ति है कि संसार है या मुक्ति है, यह देखने को रुकता कौन है, क्योंकि दृष्टि तो शुद्ध स्वभाव पर पड़ी है। माने इस तरह कहने का अर्थ ये कि पर्याय मात्र की इतनी उपेक्षा और द्रव्य स्वभाव की ऐसी अपेक्षा कि जब उसे मुक्ति और संसार में भी अंतर दिखाई नहीं देता, अपने को तो शुभ और अशुभ राग में अंतर दिखाई देता है। अभी क्या कहा, अभी तो अपने को राग में अंतर दिखाई देता है, अभी तो अपने को राग में भेद दिखाई देता है, होना चाहिए राग से भेद और दिखाई देता है राग में भेद, है ना। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी शुद्ध तत्व का रस नहीं चढ़ा है, और बहुत कड़क भाषा में कहूं तो अभी विषयों का रस उतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसे शुभ राग का प्रेम है उसे शुभ राग का प्रेम क्यों है, क्योंकि शुभ राग के फल में क्या मिलेंगे, कि शुभ राग के फल में स्वभाव मिलेगा कि संयोग मिलेंगे, संयोग में पांच इंद्रियों के अनुकूल विषयों की सामग्री होगी। तो जिसे शुभ राग का प्रेम है उसे वास्तव में देखा जाए तो विषय कषाय का प्रेम है। दूसरी भाषा में कहें तो जिसे शुभ राग का भी प्रेम है उसे राग रहित तो भगवान आत्मा का तिरस्कार वर्तता है। आ गया, क्योंकि भगवान आत्मा तो राग से रहित तो है, और उस राग के फल में प्राप्त होने वाले संयोगों से भी रहित है, है ना। यहां तो कहते हैं कि मुक्ति और संसार में अंतर दिखाई नहीं देता हमें, तो हम तो मुक्ति और संसार को एक ही भाव तोलते हैं। क्या मतलब कि दोनों आश्रय करने लायक नहीं है, आश्रय करने योग्य तत्व मिल गया। इसको दूसरे उदाहरण में दूं, मैं दूसरे उदाहरण से देखूं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि पुराने जमाने में स्वयंवर होते थे, ठीक है। तो स्वयंवर होने में उस राजकन्या ने अपने योग्य वर के गले में वरमाला डाल दी। अब उस स्वयंवर सभा में गरीब व्यक्ति भी हो सकता है, और जिसके गले में वरमाला डाली हो सकता है उससे धनाढ्य व्यक्ति भी हो सकता है। उस राजकन्या की दृष्टि में उन दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है।
वो सब पर है उसके लिए। जिसके गले में वरमाला डाली वो एकमात्र स्व है, बाकी सब पर है। तो वो पर है तो उसमें ये भेद करेगी कि नहीं, ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये थोड़ा ठीक है, ऐसा भेद करेगी वो? ये थोड़ा ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, ये इसका रूप रंग अच्छा है, इसके पास जिसके गले में मैंने वरमाला डाली ना उससे भी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, है ना? तो उसके लक्षण पहचान लेना, फिर क्या कहना, कहने की आवश्यकता नहीं। आ गया? इसी तरह ये मुक्ति है ना, मुक्ति कि अरे तुझे मुक्ति की भी महिमा आती है तो तुझे मुक्त स्वरूप की महिमा नहीं है। संसार की बात तो जाने दो एक और, क्यों? क्योंकि मुक्त स्वरूप तो ऐसी अनंत मुक्तियों को अपनी जेब में लेके बैठा है। अपन लोक में नहीं कहते तेरे जैसे तो बहुत जेब में घूमते हैं, नहीं बोलते अपन लोक में। कोई ज्यादा अपने को होशियारी दिखाता हो तो अपन लोग क्या बोलते हैं उसको, कि तेरे जैसों को जेब में रखता हूं, बोलते हैं ना अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में बोलते कि नहीं। इसी तरह मुक्त तत्व को कहा कि देखो ये मुक्ति की पर्याय है, तुम थोड़ा देखो, संसार की बात नहीं कर रहे हम मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो मुक्त स्वरूप तत्व की ओर से क्या ध्वनि आती है कि ऐसी मुक्ति तो मेरी जेब में न जाने कितनी पड़ी है, अनंत मुक्ति की पर्याय निकलेंगी, तुम एक मुक्ति पर रीझ रहे हो। मुक्ति रीझने का स्थान नहीं है, मुक्ति स्वयं स्वभाव पर रीझती है। मुक्ति पर रीझना ये कहां का न्याय हुआ? आया समझ में ये चर्चा? इसमें कहने के बाद अब 50 नंबर की गाथा, जिस गाथा पर प्रवचन शुरू करते के साथ ही गुरुदेव बोलते थे आ गाथा घनी सख्त गाथा छे, बहुत कड़क गाथा है। क्यों कड़क गाथा है? कि सीधा पर द्रव्य पर भाव इदि हेयम कहकर के बात करी है ना? तो बहुत अच्छी गाथा है, इसकी प्राकृत गाथा भी पढ़िए। पुवोत्त सयल भावा पर दवम पर सहाव मिदि हेयम सद दव मुवादेयम अंतर तच्चम हवे अप्पा पर द्रव्य है पर भाव है पुवोक्त सारे भाव ही अतएव है ये त्याज अंत तत्व है आदेय ही। बहुत गजब की बात है भैया, देखो पूर्वोक्त सकल भावा, अन्वयार्थ पूर्वोक्त मैंने पूर्व में कहे गए सकल भावा सभी भाव, सकल सकल में सब आगे कोई बाकी नहीं बचा, पूर्वोक्त सर्व भाव पर स्वभावा पर स्वभाव हैं, पर स्वभाव हैं क्या मतलब यहां पे? कि त्रिकाली स्वभाव नहीं है, तो त्रिकाली स्वभाव नहीं है तो एक लाइन से पर भाव है, यानी पर स्वभाव है, निज स्व स्वभाव नहीं है। ठीक है, आगे फिर क्यों क्यों क्या पर स्वभाव है ना, तो पर स्वभाव है इसलिए क्या कहा कि पर द्रव्य है। लो साहब क्या कह रहे हैं, पर द्रव्य है। अच्छा, इति इसलिए हे है आश्रय करने लायक नहीं है, ये का मतलब यहां क्या है, आश्रय करने लायक नहीं, आश्रय करने लायक नहीं ये तो ठीक, लेकिन मैंने उनकी पृथकता किस हद तक बताई, पर स्वभाव है पर द्रव्य है, और जो पर द्रव्य होता है उसका सब कुछ अपने से भिन्न होता है कि कुछ अपने में होता है उसका? नरेंद्र जी सब कुछ भिन्न होता है या कुछ अपने में होता है? अरे पर द्रव्य है तो सब कुछ भिन्न है उसका, तो यहां पर द्रव्य में शरीर मन वाणी कर्म इत्यादि की बात नहीं है, यहां पर एक समय की पर्याय में जो भाव हैं और जिन्हें प्रमाण के विषयभूत द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से, प्रमाण के विषयभूत द्रव्य की अपेक्षा से जिन्हें आत्मा का कहा जाता है, आगे समझ में, उसके लिए कह रहे हैं पर द्रव्य है, उसके लिए कह रहे हैं पर स्वभाव है, और इसलिए यही है कारण दिया उसका,
आगे अभी मैं खुलासा करूंगा एक एक का देखना। अच्छा फिर उधर क्या कहा, अंतः तत्व, जब इनको अंतः तत्व का स्वभाव को अंतः तत्व कहा तो चार भाव को कहेंगे बहिर तत्व, जब स्वभाव को पर स्वभाव कहा तो ये हो गया स्व स्वभाव, जब इन प, इन प, इन पर्याय इन भावों को पर्याय रूप भावों को जब परद्रव्य कहा तो इनको कहा स्वद्रव्य। ये सब आएगा अभी, बहुत गजब का अर्थ आएगा, बहुत गजब का अर्थ है। देखो अंत तत्व ऐसा स्वद्रव्य, ऐसा स्वद्रव्य, कौन सा स्वद्रव्य, जिसमें पूर्वोक्त सर्वभाव परद्रव्य है। परद्रव्य हो गए ना, उदय उपशम छे छे उपशम है ना। अरे व्यवहार जीव अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्ष ये सब पर तत्व है, ये सब पर में गए, पर स्वभाव में गए, पर द्रव्य में गए, बहिर तत्व में गए, इसलिए हे ही में गए। आया। और अंत तत्व ऐसा स्वद्रव्य आत्मा, स्वद्रव्य आत्मा आ गया, वो कैसा है तो आचार्य कहते हैं उपादेय भवेत, मैंने है उपादेय है आ गया। अब बहुत गजब की गाथा है, देखो इसमें जरा अपन चर्चा करते हैं एक एक बिंदु पर। यह हे उपादेय अथवा त्याग ग्रहण के स्वरूप का कथन है, कौन हे है अर्थात त्याग करने योग्य है, कौन उपादेय है अर्थात ग्रहण करने योग्य है, उसके स्वरूप का यहां पर कथन चल रहा है। यही बात समय सा, नियम सार की इसी 38 नंबर की गाथा में, ध्यान से देखो जरा निकाल लो 38 गाथा भी, हां इसमें भी निकालो जरा 38 गाथा है ना, तो 38 गाथा में भी ये, हां 38 गाथा में भी यही बात कही, देखो यही हेडिंग है पूरा का पूरा, देखो ये लिखा, अरे नहीं वो है हेडिंग देखो इसका, यह हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है आ गया। और 50 नंबर की गाथा में क्या कहा, है बात एक ही, वो तो ग्रहण त्याग तो उसी का शब्दार्थ दिया उन्होंने, हे उपादेय के स्वरूप का कथन वहां भी किया और हे उपादेय के स्वरूप का कथन यहां भी किया। माने जिस बात को, कहने का मतलब क्या कि जिस बात को उन्होंने इस अधिकार के प्रारंभ में उठाया फिर अनेक प्रकार से उसका विस्तार किया और सारांश के रूप में 50 नंबर की गाथा में वो बात फिर लाए। अंतर क्या है दोनों में, कि अंतर यह है 38 नंबर की गाथा में जीवादि वही तत्सम हेयम, यहां तत्व की भाषा में बात की, पर्याय बात तो हुई है, पर्याय की हेयता की चर्चा 38 नंबर की गाथा में भी है और पर्याय की हेयता की चर्चा 50 नंबर की गाथा, विषय वही है लेकिन अंतर क्या है कि यहां जीव आदि सात तत्वों की भाषा में बात की है और वहां भावों की भाषा में बात की है। आ गया, बात वही है, यहां भी कैसा आत्मा है ही है और कैसा आत्मा उपादेय है, माने कौन तत्व है ही है और आत्मा कैसा उपादेय है, तो कैसा आत्मा उपादेय है यह बताने के लिए कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है, यहां भी ये बात की और वहां भी वो बात लाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये अधिकार का प्रारंभ और अधिकार की पूर्णता 51 से लगा करके जो 55 नंबर की गाथा का विषय है ना, कि वो विषय तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव को रत्नत्रय के स्वरूप का कथन है, मतलब उस शुद्ध भाव के आश्रय से प्रकट होने वाले रत्नत्रय के स्वरूप का कथन वहां पर करके रत्नत्रय में अंतरंग बहिरंग निमित्तों की चर्चा की है। शुद्ध भाव अधिकार का विषय तो एक तरह से यहां पूर्णता हो जाती है। तो देखो ये हो गया ना, अब देखो इसमें जो कोई विभाव गुण पर्याय
हैं, जो कोई विभाव माने विशेष भाव रूप गुण पर्याय हैं कह करके उनका अस्तित्व सिद्ध किया, क्योंकि नहीं होती तो है ही भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो चीज है ही नहीं, जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, है ना, तो उस चीज की हेयता का प्रश्न क्या है, तो उनका अस्तित्व सिद्ध किया कि वे हैं, जो कोई विभाव गुण पर्याय हैं, सब आ गई इसमें, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय सब आ गई, सब स्वभाव विभाव जो भी है सब आ गई, कोई बाकी नहीं बची, कि वे पहले उन 50वीं गाथा में व्यवहार नय के कथन द्वारा उपादेय रूप से कही गई थी। हमने ही कहा था आचार्य कह रहे, लेकिन किस नय के कथन से कहा था, व्यवहार नय के कथन से, और व्यवहार नय के कथन का मतलब क्या बताया था कि वह जानने के अपेक्षा से उपादेय कही थी, तो उसका ज्ञान नहीं करोगे, तो ज्ञान नहीं करोगे तो ये आश्रय करने लायक नहीं है, ये आपको पता कैसे चलेगा, आ गया, तो पर्याय का ज्ञान तो कराया, तो ज्ञान करने की अपेक्षा से उपादेय कहा था कि उसका ज्ञान अवश्य करना, नहीं तो हे उपादेय नहीं कर सकोगे, है ना, लेकिन वो उपादेय कही गई थी, किंतु शुद्ध निश्चय नय के बल से, यानी शुद्ध निश्चय नय से वे हे हैं, वे माने बहुवचन है कि एक वचन है, माने सब आ गया, कोई पर्याय मात्र बाकी नहीं बची। समय सार की 11 नंबर की गाथा में जिसके लिए यह शब्द का प्रयोग किया, व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है, निश्चय नय एक ही भूतार्थ है, ये शब्द का प्रयोग समय सार की 11 नंबर की गाथा में किया। समय सार की 6 नंबर की गाथा में ज्ञायक भाव है वह प्रमत अप्रमत नहीं है, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, वहां कहा ना नहीं अप्रमत प्रमत नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, आ गया। समय सार की 38 नंबर की गाथा में शुद्ध शब्द की व्याख्या की, मैं इसलिए आपके प्रमाण बता रहा हूं कि ये बात नियम सार में तो आई है, लेकिन और भी अनेक जगह ये बात आई है, अरे द्रव्य संग्रह तक में आई है, और तो छोड़ो। तो समय सार की 38 नंबर की गाथा में शुद्ध भाव का, शुद्ध शब्द का अर्थ करते हुए कहा, क्या कहा, शुद्ध शब्द आया ना, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय अरे, आया कि नहीं है, वहां शुद्ध शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, नर नारकादि जीव के विशेष, नर नारकादि जीव के विशेष अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष स्वरूप व्यवहारिक नव तत्व से टंकोत किरण ज्ञायक स्वभाव भावत्व के कारण अत्यंत भिन्न हूं, इसलिए शुद्ध हूं। आया, देखो इसमें देख लो जरा शास्त्र की भाषा, ये तो मैंने पढ़ के सुना दिया, फिर भी मैं शास्त्र से आपको पूरा और पढ़ के बता देता हूं ओरिजिनल एकदम। आचार्य की भाषा है ना, तो वो अपने को पढ़ लेना चाहिए। समय सार की 38 नंबर की गाथा है, उसके बाद 73 नंबर की गाथा बताऊंगा, 73 नंबर की गाथा भी देखना। चलो पहले 73 खुल गई तो पहले 73 देख लो, पहले 73 ही खुली मेरी। देखो इसमें भी शुद्ध शब्द की व्याख्या की कि मैं एक शुद्ध ममत्वहीन, तो इसमें शुद्ध शब्द की व्याख्या क्या की आचार्य भगवान ने,
देखो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों के कारकों की समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त। अभी इसका अर्थ करेंगे अपन। जो निर्मल अनुभूति, यह निर्मल अनुभूति शब्द त्रिकाली के लिए है, अनुभूति शब्द पर्याय के लिए नहीं यहां पे, उस अनुभूति मात्र पने के कारण शुद्ध हूं। क्या मतलब इसका? कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण की प्रक्रिया, प्रक्रिया लिखा ना, देखो यह आया ना, सट कारक की सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया। प्रक्रिया माने क्रिया के कारक लेना यहां पे। तो क्रिया के कारक तीन तरह के होते हैं। परद्रव्य की क्रिया के कारक तो पर में रहे कि मैं करता और शरीर की क्रिया कर, कि वो तो बात ही नहीं है। उसके बाद आया मैं करता राग कर्म, है ना, तो विकारी, विकारी भाव का मैं करता हूं, विकारी भाव मेरा कर्म है, विकारी भाव मेरा, विकारी भाव का मैं साधन हूं, विकारी भाव आत्मा के लिए हुआ, विकारी भाव आत्मा से हुआ और आत्मा के आधार से हुआ, कि ये बात भी नहीं है। आगे बढ़ो कि चलो विकार का करता तो आत्मा नहीं, निर्मल पर्याय का करता तो है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो जो निर्मल सट कारक की प्रक्रिया घटित हुई, कि जैसे विकार के कारकों की प्रक्रिया माने विकार की पर्याय का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, वह पर्याय स्वयं है, वो सारी की सारी प्रक्रिया उस पर्याय में घटित होती है, मैं तो निष्क्रिय चिन्ह मात्र हूं। इसी तरह निर्मल पर्याय का, अरे मोक्ष की पर्याय का भी मैं कर्ता, वो मेरा कर्म, मैं उसका साधन, आत्मा के लिए मोक्ष हुआ, आत्मा में से मोक्ष हुआ और आत्मा के आधार से मोक्ष हुआ के भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आत्मा निर्मल पर्याय के सट कारकों की प्रक्रिया में भी नहीं आता। भगवान आत्मा तो ऐसा अनुभूति स्वरूप है, इसलिए वो शुद्ध है। क्योंकि अगर वो शुद्ध है तो उसे नई शुद्धता कौन सी करनी है, मुझे ये बताओ पहले। तो आगे समझ में, क्यों नहीं, क्यों प्रक्रिया से पार को प्राप्त है, मोक्ष को भी आत्मा क्यों नहीं करता? समझ आया? थोड़ा द्रव्य दृष्टि का गरिष्ठ विषय है। संसार को करे तो, संसार को तो मेरे दो बातें कि पहले तो अपन मोक्ष की चर्चा, संसार की चर्चा करते हैं, उसके बाद कि मोक्ष को क्यों नहीं करता। कि भाई साहब आत्मा, जो आत्मा की जो शुद्धता है वो शुद्धता पूरी शुद्धता है या कम शुद्धता है, पहले बताओ। आत्मा के द्रव्य स्वभाव की जो शुद्धता है, द्रव्य स्वभाव जो शुद्ध है आत्मा का, वो पूरा पूरा शुद्ध है या उसमें कुछ अभी कमी है? हाँ, पूरा शुद्ध है। तो पूरे शुद्ध को मोक्ष करना है अभी नहीं है नरेंद्र जी, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो पूरा शुद्ध है और फिर तुम कह रहे हो कि नहीं मोक्ष करना बाकी है अभी। तो मोक्ष करना बाकी, इसका मतलब अभी उतनी शुद्धता में कमी है। क्यों करे वो, क्यों आवे पर्याय की सटकार, पर्याय की, निर्मल पर्याय के सटकार की प्रक्रिया में भी वो ज्ञायक तत्व, वो सहज तत्व, वो परम पारनामिक तत्व आवे क्यों? एक बात कि मलिन पर्याय को क्यों नहीं, कि अरे भाई मोक्ष को नहीं करता तो मलिन पर्याय को क्यों करेगा? तो फिर कर्ता कौन है? तो उसका उत्तर दिया उन्होंने कि विकार का कर्ता कौन है? तो आचार्य भगवान ने कहा कि पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, वो जिसके निमित्त से होता है उसका मालिक बना दिया उसको। ये है द्रव्य दृष्टि का जोर। क्या अगर वो मोक्ष को करे, देखो इसमें शब्द क्या आया कि सट कारकों की समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त निर्मल अनुभूति, मैंने वो तो ज्ञान, अनुभूति का मतलब है ज्ञान, क्या अनुभूति मैंने वो तो ज्ञान मात्र स्वरूप है, और ज्ञान मात्र स्वरूप होने की वजह से वो कैसा है? शुद्ध है। वो ऐसा शुद्ध नहीं है कि जिसे किसी दूसरे शुद्ध की रचना करनी है अभी।
पीवर है वो तो। अरे मोक्ष की भी रचना करनी पड़े तो वो शुद्ध नहीं कहलाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ, मोक्ष की भी रचना करनी पड़े तो शुद्ध नहीं कहलाएगा वो। संसार की वो बात ही कहां करे। ऐसा तत्व, और ऐसा तत्व जब दृष्टि में आता है, मोक्ष की परिणति वर्ण करती है तत्व का। क्या मोक्ष की परिणति उस तत्व के सन्मुख झुकती है? वो तत्व किसी के सन्मुख नहीं झुकता, क्योंकि परिणति वो अवलंबनशील है। अवलंबन लेना, आश्रय लेना, ये पर्याय का स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव अवलंबन लेना नहीं है। तो द्रव्य अपना ये स्वभाव मोक्ष के लिए बदल दे? कि नहीं साहब? सम्य दर्शन की पर्याय तो द्रव्य का अवलंबन लेती है, लेकिन मोक्ष की पर्याय तो पूर्ण शुद्ध है। कि मोक्ष की पर्याय पूर्ण शुद्ध है तो द्रव्य स्वभाव परम शुद्ध है। क्या कहा? क्या कहा? मोक्ष की पर्याय पूर्ण शुद्ध है ना, तो द्रव्य स्वभाव परम शुद्ध है। पूर्ण से भी परम की महिमा ज्यादा है। अर्थात तुम तो अशुद्धता का नाश करके शुद्ध हुई हो, मैं तो वो हूं जिसमें अशुद्धता हुई ही नहीं है। ऐसा द्रव्य स्वभाव है। यह बात आई क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार चल रहा था, तो कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता की भाषा की ओर से शुद्ध की व्याख्या की। अब जरा इसको देखो आगे, और 38 नंबर की गाथा देखो, उसका भी बताता हूं। अब देखो इधर, देखो ये आया, नर नारक आदि जीव के विशेष, इसमें नर शब्द छूट गया है, नर नारक आदि जीव के विशेष, जीव के विशेष, शरीर की बात नहीं की है, समझा क्या? ये शरीर तो पुद्गल की रचना, ये जीव का विशेष नहीं है, उस प्रकार का जीव की योग्यता है ना। अच्छा, अजीव, अजीव में क्या लेना है यहां पे? अजीव संबंधी विकल्प अथवा अजीव संबंधी ज्ञान, उसको अजीव कहा। अजीव माने परद्रव्यों की बात नहीं है, ठीक। उसके बाद देखो, पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंद और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं, व्यवहारिक नव तत्व, व्यवहार नय के विषय हैं, तो व्यवहार नय के विषय कहकर के नव तत्व की अस्थि सिद्ध की। वेदांत जैसा नहीं है कि पर्याय है ही नहीं, पर्याय की अस्थि पर्याय में भी स्वीकार ना करे, सांख्य मत का प्रसंग आएगा, और पर्याय की अस्थि रूप अपने को मान लेवे बोधमती हो जाएगा। तो क्या मतलब कि पर्याय की अस्थि पर्याय में है, मुझ में पर्याय की अस्थि की नास्ति है, मुझ में मेरी अस्थि है, मेरी अस्थि की पर्याय की अस्थि में नास्ति है। अभी यह चर्चा चल रही है, प्रमाण का विषय, प्रमाण के विषय की चर्चा चलेगी तब अपन भी कहेंगे कि द्रव्य में पर्याय है, पर्याय में द्रव्य है, पर्याय बिना का द्रव्य और द्रव्य बिना की पर्याय कभी होती नहीं, ये अपन भी कहेंगे, अपन भी चर्चा की है। लेकिन जब जो विषय चलता है तब उस विषय की चर्चा चलती है, बराबर। तो यहां पे देखो, व्यवहारिक नौ तत्व हैं कह करके उनका अस्तित्व पहले सिद्ध किया। क्यों? क्योंकि भाई साहब, जब तुम व्यवहार का अस्तित्व ही पहले सिद्ध नहीं करोगे तो उसका निषेध कैसे करोगे, है ना? ये अन्य 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 लोगों में पूजा होती है ना देवताओं की, हैं? तो देवताओं की पूजा करते 8-10 दिन बाद, तभी तो उसका विसर्जन करते हैं फिर बाद में। तो पूजा तो करो पहले, तब तो विसर्जन करोगे, है ना? तो पहले या व्यवहार की स्थापना, ये कहकर के स्थापना कर दी। पूजा में क्या करते हैं? पहले स्थापना करते हैं तभी तो विसर्जन करते हैं। तो नहीं, स्थापना करने की जरूरत नहीं, अपने सीधा विसर्जन ही करो, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो यहां पे कहते हैं देखो कि व्यवहारिक नव तत्व है, यह कहकर के उनके अस्थि को स्वीकार किया। क्योंकि अगर उनकी अस्थि नहीं होती तो जिस जो चीज जगत में है ही नहीं उसमें हे और उपादेयता नहीं हो सकती। हे होने के लिए भी उस चीज का होना जरूरी है, ठीक। आगे देखो, नव तत्व हैं के बाद का उनसे, किन से? वो जो व्यवहारिक नव तत्व के नाम बताए, उनसे टंकोत्कीर्ण एक
टंकोत किरण एक, देखो नौ के सामने रखा एक, भेद रूप तत्व के सामने रखा टंकोत किरण, ज्ञायक स्वभाव रूप, ज्ञायक स्वभाव रूप भाव, मेरी अस्थि कैसी है कि मेरी अस्थि टंकोत किरण है, मेरी अस्थि एक है, मेरी अस्थि ज्ञायक स्वभाव रूप भाव है, वो मेरी अस्थि है। और उस अपनी अस्थि के द्वारा कैसा हूं मैं, तो कहते अत्यंत भिन्न हूं। अकेला भिन्न नहीं कहा, क्या कहा? हैं? अत्यंत का मतलब क्या होता है? सर्वथा के कथनचित, अत्यंत माने सर्वथा भिन्न हूं, कथनचित नहीं लगाया, अत्यंत भिन्न हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं, इसलिए शुद्ध हूं मैं। अब ये शब्दों में हमने शब्दों में पढ़ लिया, अब इसका अर्थ करो। यदि मैं आश्रव से सर्वता अभिन्न हूं, सर्वता भिन्न नहीं हूं, सर्वता भिन्न नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा मैं? अभिन्न होऊंगा, तो कहते हैं कि मैं अशुद्ध हूं, फिर तो मैं अशुद्ध सिद्ध हो जाऊंगा। आश्रव, आश्रव हो गया। अच्छा वो कहते चलो आश्रव की बात तो छोड़ो, वो तो गंदा है, खुद ही गंदा है, मलिन है, जल में सेवाल की भांति मल रूप और मेल रूप अनुभव में आते। ए संवर निद्रा मोक्ष कहा ने, इनसे अत्यंत भिन्न का अग्नि का, तो संवर निर्जरा मोक्ष से भी यदि मैं सर्वता भिन्न नहीं हूं तो क्या होऊंगा मैं? अशुद्ध। क्यों? क्योंकि मुझ में इसकी मिलावट हुई ना। अरे मोक्ष की अस्थि सिद्ध हो गई आत्मा में तो बंध तो अपने आप सिद्ध हो गया। एक आदमी से हमने पूछा जेल से कब छूटे, तो जेल से कब छूटे, छूटने की बात करते ही उसके जेल जाने की बात तो सिद्ध हो गई, मुक्ति की बात करते ही संसार तो सिद्ध हो गया। मैं तो वो तत्व हूं कि जिसमें आश्रव बंध का विकार भी नहीं है और जिसमें आश्रव बंध के विकार का अभाव प्रकट करके प्रकट होने वाला संवर निद्रा और मोक्ष भी नहीं है, इसलिए मैं शुद्ध हूं। मेरी शुद्धता का आधार अकेला आश्रव बंध होना ही नहीं है, आश्रव बंध का न होना, संवर निद्रा मोक्ष भी उस तत्व में नहीं है, इसलिए वो तत्व शुद्ध है। और ऐसे तत्व की जो परिणति, ऐसे तत्व का लक्ष्य करती है वो परिणति संवर निद्रा मोक्ष रूप होती है। संवर निद्रा मोक्ष द्रव्य स्वभाव का धर्म है कि पर्याय का धर्म है, बताओ? संवर निद्रा मोक्ष नया प्रकट होता है कि पहले से है? तो जो नया प्रकट होता है वो द्रव्य स्वभाव होता है कि पर्याय होती है? तो पर्याय होती है ना, तो द्रव्य स्वभाव उस पर्याय बिना का सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? वो तो नई प्रकट होगी, मैं तो पहले से हूं। आ गया, बात पूरी हो गई। इस तरह जहां जहां शुद्ध शब्द आया वहां वहां तीन तरह से आचार्य देव ने शुद्ध को समझाया। परद्रव्य की मिलावट का अभाव, उसका नाम शुद्धता। रागादि अशुद्धता की मिलावट का अभाव, माने उसमें मिलावट नहीं है, उसका नाम शुद्धता। निर्मल पर्याय की मिलावट उसमें नहीं है, इसलिए उसका नाम शुद्धता। अरे गुण भेद जिसमें नहीं है इसलिए उसका नाम शुद्धता। सातवीं गाथा में गुण भेद की चर्चा की है। इतनी इतनी तरह से शुद्ध आत्मा को समझाया। आचार्य को कोई काम नहीं था, अपने को यही काम था उनको समझाने का ही। क्यों समझाया? कि यही तो बात समझना बाकी रह गई, बाकी क्या रहा? 11 अंग 9 पूर्व जीव पढ़ गया है ना, तो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने के बाद भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? आत्मा नहीं पढ़ा होगा उसने? अरे आत्मा तो पढ़ा लेकिन प्रयोजनभूत आत्मा नहीं पढ़ा। क्या कहा? आत्मा तो पढ़ा, प्रयोजनभूत आत्मा नहीं पढ़ा उसने। प्रयोजनभूत आत्मा पढ़ लेता तो कल्याण हो जाता उसका। कहीं ना कहीं कमी तो रही है ना, कुछ न कुछ गड़बड़ी तो रही है, तभी तो मिथ्या दृष्टि रहा है ना। तो यहां तक नजर नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि अभी तुम राग में भेद डालने में पड़े हैं। यहां तो कहते हैं कि निर्मल पर्याय से भी पार है इसलिए शुद्ध है ना। अरे अब देखो, और जो अत्यंत भिन्न कह रहे हैं
तो अत्यंत भिन्न कह रहे हैं ना, तो प्रदेश भेद अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, करने की जरूरत नहीं होती है ना। वो चर्चा तो कभी बाद में देखेंगे। आई बात समझ में? तो ये दो शास्त्रों के आपको उदाहरण दिए है ना, और भी बहुत है लेकिन अभी दो शास्त्रों के उदाहरण में अपना काम तो निपटा कि ये काम अपने को समझना चाहिए, विषय वस्तु को समझना है। समझ गए होते तब तो कल्याण हो गया होता है ना। तो अभी समझना है क्या है वस्तु, कि ये वस्तु है। गुरुदेव श्री ने इस वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसका स्वप्न दुनिया को नहीं था। मैं तो ये बोलता हूं कई बार कि आत्मा के सम्यक दर्शन की चर्चा तो दुनिया करती थी लेकिन गुरुदेव श्री सम्यक दर्शन का आत्मा क्या है यह बताने के लिए आए थे। सम्यक दर्शन का आत्मा, आत्मा के सम्यक दर्शन की चर्चा दुनिया करती थी और दुनिया क्या चर्चा करती थी, देवशास्त्र गुरु को मानो, सम्यक दर्शन, जैन कुल में जन्म लिया तो सम्यक दर्शन तो लेकर के ही पैदा हुआ है ना। सात तत्वों के भेद प्रभेद सीख लिए, वो भी कौन से सात तत्वों के भेद प्रभेद कौन से, कि नाव में छेद हो गया पानी आना आश्रव, पानी भर जाना बंद, डाट लगा देना संवर, पानी निकाल देना निर्जरा, सारा पानी निकल जाना मोक्ष। मैंने कहा भाई वो तो नाव का मोक्ष हुआ, तेरा मोक्ष कब होगा? समझ आ गया? ये जो ऐसा उत्कृष्ट तत्व कि जो श्रद्धा का सद्देह होता है, सम्यक दर्शन का आत्मा कैसा है ना, ये ध्यान गुरुदेव श्री ने अपना खींचा है। समझ में आ गया? ये उनका एक तरह से समझ लो कि पूरे विश्व के ऊपर जो अभी जितना भी विश्व उनका उपकार मानता है, वो सारे विश्व के प्रति जो गुरुदेव श्री का उपकार है, वो ये उपकार है कि उन्होंने सम्यक दर्शन का आत्मा हमें बताया। बाबू युगल जी का एक बहुत बढ़िया शब्द है कि यदि इस युग में हम गुरुदेव श्री को सम्यक दर्शन के विषय का आविष्कर्ता कहें तो कोई आश्चर्य नहीं है। युगल जी के शब्द है। जो सम्यक दर्शन है हाँ। उसमें तो शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करना जरूरी है हाँ। सम्यक चरित्र तो बिना लक्ष्य हो जाएगा। वो तो सबका विषय एक ही है। वो चर्चा हुई थी अपनी दो तीन दिन पहले कि सम्यक दर्शन प्रतीति रूप है और सम्यक चरित्र प्रवृत्ति रूप है, लेकिन प्रतीति का विषय और प्रवृत्ति का विषय अलग अलग नहीं है। अरे सच में तो ज्ञान का विषय भी अलग नहीं है। हालांकि ज्ञान का विषय स्व, देखो ज्ञान का विषय स्व पर दोनों बनते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान प्रकट होता है स्व स्वभाव के आश्रय से। वो तो ज्ञान की स्वच्छता है कि स्व पर प्रकाशक ज्ञान है, लेकिन सम्यक ज्ञान प्रकट कैसे हुआ कि ज्ञान की पर्याय ने जब निज शुद्ध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को निज रूप से जाना, श्रद्धा ने उसे निज रूप में प्रतीति में लिया और चारित्र उसमें निज रूप में स्थिति करता है। समझा गया? चक्रवर्ती अकेला होता है, रानियां 96,000 होती है, तो रानियां 96,000 लेकिन उनका पति कौन, पति उनका एक। इसी तरह परिणतियां अनेक लेकिन उन अनेक परिणतियों का एक पति त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा। वो एक स्वर में बोलती है, वो एक मिटता है तो सबका सौभाग्य मिटता है, और वो एक अमर है तो सबका सौभाग्य जिंदा है ना। अज्ञानी की सारी परिणतियों में शुद्धात्मा मिटा हुआ है, इसलिए अज्ञानी की सारी परिणतियां सौभाग्यविहीन है, और ज्ञानी की परिणति में एक शुद्धात्मा जीवित है इसलिए उसकी सारी परिणतियां सौभाग्य बनती हैं। ऐसा है द्रव्य स्वभाव से। हाँ जी, ये है चर्चा, शेष चर्चा और करेंगे।